दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नेल कटर की इस गोल सी दिखने वाली चाकू का आखिर क्या काम होता है? और साथ ही टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? और तो और, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये तीन स्टार्स क्यों बने होते हैं? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना ऐसी चीजों को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। नंबर 13, टीवी एंटीना का डायरेक्शन। असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस के फॉर्म में दिखाता है, और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही सिग्नल भेजती है, और अर्थ के साथ वो खुद भी रिवॉल्व यानी कि घूमती रहती है। नंबर 12, कीबोर्ड के लेटर्स का अरेंजमेंट। आपने कीबोर्ड के लेटर्स का अरेंजमेंट तो देखा ही होगा। जब भी हम फोन में भी टाइप करते हैं तो उसमें भी लेटर्स का अरेंजमेंट कुछ अजीब सा होता है। तो आपके मन में कभी ना कभी तो ये आया ही होगा कि इनका अरेंजमेंट सीधा सीधा क्यों नहीं होता है। असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तो वो टाइपराइटर के फॉर्म में इन्वेंट हुआ था, और तब उसके लेटर्स का अलाइनमेंट भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही था। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होने की वजह से टाइपिंग करने वालों की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर के कीज के तार आपस में ही उलझने शुरू हो गए थे। इसलिए बाद में कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ने कीज को रैंडमली क्वर्टी फॉर्म में अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। नंबर 11, क्या आपको ट्रक के पीछे की वो फनी लाइन्स याद है जो आप अक्सर देखा करते हैं? अब भारत में तो बहुत अलग अलग तरीके के लाइंस लिखे रहते हैं, पर जो एक कॉमन चीज हमेशा ट्रक के पीछे लिखी रहती है वो है हॉर्न ओके प्लीज। तो दोस्तों, हॉर्न प्लीज का मतलब तो हम जानते ही हैं कि अगर आपको ओवरटेक करना है तो हॉर्न दीजिए, पर ये बीच वाले ओके का क्या चक्कर है? तो इसके पीछे एक वर्ल्ड वॉर टू की थ्योरी है, जिसके अनुसार ओके का मतलब है ऑन केरोसिन, जिसे वर्ल्ड वॉर टू में बहुत से ड्राइवर्स यूज किया करते थे। ऑन केरोसिन का मतलब होता है कि ट्रक में डीजल के साथ केरोसिन का भी यूज किया जा रहा है, जिससे पैसे की तो बचत हो जाती है मगर उसमें आग लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और गाइस, इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए हॉर्न प्लीज के बीच में ओके को लगाया जाता है। वैसे अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों, हमारा एक गोल है कि हमें जल्द से जल्द 100K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमारे इस एम को पूरा करने में हमारी मदद करिए, शुक्रिया। नंबर 10, जींस की ये छोटी सी पॉकेट। दोस्तों, जींस में बनी हुई इस छोटी सी पॉकेट को फिफ्थ पॉकेट भी कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइन्स, बस की टिकट जैसी चीजों को रखते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जींस में बनाने का असली पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल के रखना था। दरअसल 18th सेंचुरी में जींस गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी, और उस समय सबसे कीमती चीज जो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉचेस। इस फिफ्थ पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक जींस में फिफ्थ पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 9, इन गोल मटोल घड़ियों को देखकर कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि ये क्लॉक हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों घूमती है? मतलब दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो घूम सकती थी। तो दोस्तों, अगर ये होता तो इवेंचुअली आज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता। कितनी डीप बात है ना? अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें पहुंचना होगा मेडिवल टाइम के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब इस सुई के डंडे से टाइम को नापा जाता था। तो जब इन सनडायल्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूज किया जाता था, तो ये जो सनडायल्स है ना, उनके कांटे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमा करते थे। सो इसी वजह से जो मॉडर्न टाइम्स की घड़ियां है ना, उनको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट किया जाता है। नंबर 8, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। आप टूथपिक का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर ये डिजाइन क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होता है, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक के होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से के ऊपर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 7, अच्छा अब जस्ट इमेजिन करिए कि आप और आपका फ्रेंड बहुत ही संघर्ष करने के बाद एक पायलट बन गए। अब आप जब कैबिन में आप दोनों के लिए खाना आता है, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके साथ तो भेदभाव हो रहा है। जहां पर आपके फ्रेंड को खाने के लिए पनीर टिक्का मिल रहा है, वहीं आपको सड़ा हुआ दलिया। कंट्रोल, कंट्रोल। अब गलती से भी इस भेदभाव के लिए आप धरने पर मत बैठ जाना, क्योंकि एयरलाइंस में ऐसा होना बहुत ही कॉमन है, और ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही लॉजिकल पर्पस भी होता है। दो पायलट्स को सेम खाना इसलिए नहीं मिलता ताकि अगर किसी खाने में कुछ मिलावट हो तो वो सिर्फ एक ही पायलट पर अपना असर छोड़ पाए, क्योंकि भले ही प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चल सकती है, पर अगर केबिन में कम से कम एक पायलट सही सलामत होगा तो कम से कम रिस्क तो कम होगा। नंबर 6, आईफोन के कैमरे के लेंस और फ्लैश के बीच में ये मौजूद ब्लैक डॉट। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा तो आईफोन के बैक कैमरे के लेंस और फ्लैश के बीच में एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है? असल में ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है, यानी कि हटा देता है, और अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नंबर 5,
पेंस के कैप में बना हुआ ये छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा तब से आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि पेंस के कैप में ये छोटा सा होल क्यों होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेन के कैप में बने हुए इस होल का बहुत बड़ा पर्पस है, जो कि पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस पेन को निकल सकते हैं और जिससे सफोकेशन होता है और साथ ही साथ डेथ भी हो सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बच्चा अब इस पेन के कैप को निकल लेता है तो कैप में होल होने की वजह से अब सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस होल को प्रोटेक्टिव मेजर की वजह से बनाया गया था। नंबर 4, कई जगहों पर आपने प्लेन को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने कभी ना कभी प्लेन्स में लगे इन रंग बिरंगे लाइट्स को तो जरूर देखा ही होगा। एक बार मेरे पापा ने भी मुझसे ये सवाल पूछा था और मेरे ना बताने पर उन्होंने बोला था, जा पूछ क्या। दरअसल इसे नेविगेशन लाइट कहा जाता है, जिसको रात के समय में प्लेन डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज करते हैं। रेड लाइट प्लेन के लेफ्ट साइड में होता है, वहीं ग्रीन लाइट राइट साइड में, और इन दोनों लाइट के साथ साथ एक व्हाइट लाइट भी होती है जो कि प्लेन के पिछवाड़े में प्रेजेंट होती है। अब रात में इन्हीं लाइट्स को देखकर दूसरे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को पता चल जाता है कि बगल वाली प्लेन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड या फिर सीधा उन्हीं के एयरक्राफ्ट की तरफ आ रहा है वो। नंबर 3, गाइस अगर आप प्लेन की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना पायलट्स के क्लीन शेव की भी बात कर ही लें। क्यों भाई, कोई पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रख सकता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जाती है तो हमें प्लेन के अंदर ऑक्सीजन मास्क लगाने की जरूरत पड़ती है, और उसी ऑक्सीजन मास्क को पहनने में पायलट को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े इसलिए वो हमेशा क्लीन शेव्ड ही रहते हैं। बहुत से केसेस में बहुत से एयरलाइंस में पायलट को मूंछ और छोटी मोटी दाढ़ी रखने की इजाजत होती है। नंबर 2, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर बने हुए 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उनकी यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी इस यूनिफॉर्म को बारीकियों से देखा है। इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट के चेस्ट पर 3 स्टार्स बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 3 स्टार्स का मतलब क्या है। असल में दोस्तों ये 3 स्टार्स बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप्स जीता है, जिसमें से 2 ODI है, 1 50 ओवर्स का, 1 60 ओवर्स का और 1 T20 का वर्ल्ड कप। वैसे क्या आपको इंडियन टीम पसंद है, हमें यस या नो में कमेंट करके बताइए। नंबर 1, नेल कटर के साथ अटैच्ड यूनिट्स। दोस्तों नेल कटर का इस्तेमाल करते वक्त अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि इसके साथ जो ये अटैच्ड चीजें हैं आखिर इसका पर्पस क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है, तो इस गोल चाकू जैसी दिखने वाली चीज का भी पर्पस होता है। असल में ये गोल चाकू बॉटल ओपनर का काम करता है। बोनस फैक्ट, सोडा कैंस के कैप पर बना हुआ एक छोटा सा होल। सोडा कैंस पर बने हुए पॉपअप कैप से हम कैन को आसानी से खोल लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉपअप कैप पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है। दरअसल ये होल कैंस के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह से हम लोग फ्रूटी या माजा में स्ट्रॉ डाल के पीते हैं ना, ठीक उसी तरह से कैंस में भी स्ट्रॉ डालने के लिए एक छोटा सा होल बना होता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।